क्या होगा जब जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो डिस्टिंक्ट ना होंगे, तो परम्यूटेशन क्या होगा, कितने तरीके से हम सीक्वेंस बना सकते हैं उस कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट्स, सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट ना हो। आइए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, आर ओ ओ टी रूट। मान लीजिए ओ और ओ दोनों डिफरेंट है और उसको हम नोटिस करते हैं ओ वन से और ओ टू से, और केस टू में दोनों ओ सेम है, दोनों ओ सेम ही है, बट अभी तक हम लोग क्या पढ़ाई किए थे, परम्यूटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अभी क्या पढ़ाई करेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। रूट, इसमें सारे ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्ट नहीं है, है तो चार लेटर लेकिन उसमें से एक लेटर जो है ओ, वो दो बार आया हुआ है, आर सिंगल बार है, टी सिंगल टाइम है, बट वो दो बार है। तो इस चार ऑब्जेक्ट से हम कितने तरह के वर्ड बना सकते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़ाई किए थे, चारों जो लेटर होते थे अलग अलग होते थे, अभी चार में सिर्फ तीन लेटर है, एक लेटर दो बार आया हुआ है, जैसे ओ दो बार है। अभी क्या है, सिंपलीफाई करने के लिए अभी मान लेते हैं कि ओ केस वन और केस टू में तोड़ते हैं। केस वन मान लिया गया कि ओ और ओ दोनों अलग अलग है, ओ वन है और ओ टू है, और केस टू में सेम, बोथ ओ आर सेम एज यूजुअल। तो अगर हम मानते हैं कि ओ वन और ये ओ अलग अलग है, मतलब ये वाला ओ ओ वन है और ये वाला ओ ओ टू है, आर ओ वन ओ टू और टी चार जो लेटर हैं उससे कितने परम्यूटेशंस होंगे, कितने तरीके से हम वर्ड बना पाएंगे। फोर पी फोर मतलब फोर फैक्टोरियल बाई जीरो फैक्टोरियल, मतलब फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन इक्वल टू 24। कैसे, एक और तरीका था, हम लोग पहले पढ़े हैं ना, फोर थ्री टू वन, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, याद कीजिए जब हम लोग स्टार्ट किए थे, जब रिपीट नहीं है तो यहाँ पे चार तरीके से लेटर आएगा, यहाँ पे तीन तरीके से आएगा, यहाँ दो तरीके से, यहाँ पे एक तरीके से, तो टोटल हो गया 24। इसको हम लोग लिस्टिंग करके समझते हैं। अगर हम लिस्टिंग करें R, O1, O2 और T को, तो लिस्टिंग करके कितने तरह के वर्ड्स बनेंगे, R, O1, O2, T, R, O2, O1, T। लेकिन जब हम इसको O1, O2 को बराबर मानेंगे केस टू में, T क्या कहलाएगा, ये सिर्फ R, O, O, T ही रहेगा। सिमिलरली केस वन में जब O1, O2 रहेगा तो वर्ड क्या होगा, टी ओ वन ओ टू आर या फिर टी ओ टू ओ वन आर। लेकिन जब ओ वन ओ टू को अगर हम बराबर मानते हैं, सेम मानते हैं, तो क्या रहेगा, ये वर्ड टू सेम आर ओ वन टी ओ टू आर ओ टू टी ओ वन। लेकिन जब ओ वन ओ टू केस टू के हिसाब से मानेंगे तो क्या होगा, ये आर ओ टी ओ। सिमिलरली टी ओ वन आर टू टी ओ टू आर वन आर ओ वन, जो केस टू के हिसाब से टी ओ आर ओ आर टी ओ वन ओ टू आर टी ओ टू ओ वन, लेकिन केस टू के हिसाब से आर टी ओ ओ टी आर ओ वन ओ टू टी आर ओ टू ओ वन। केस टू के हिसाब से क्या होगा, ये T
टी आर ओ ओ, और क्या बनेगा केसों के हिसाब से, ओ वन ओ टू आर टी, ओ टू ओ वन आर टी, लेकिन केस टू के हिसाब से क्या रहेगा ये ओ ओ आर टी, सिमिलरली ओ वन आर ओ टू टी, ओ टू आर ओ वन टी, लेकिन केस टू के हिसाब से क्या होगा ओ आर ओ टी, ओ वन टी ओ टू आर ओ टू टी ओ वन आर, केस टू के हिसाब से क्या होगा ओ टी ओ आर, सिमिलरली ओ आर टी ओ टू, ओ टू आर टी ओ वन, केस टू के हिसाब से क्या होगा ओ आर टी ओ, यहाँ भी ओ वन ओ टू ओ टू ओ वन, लेकिन यहाँ पे आएगा केस टू के हिसाब से ओ टी आर ओ, ओ वन ओ टू ओ टू ओ वन, लेकिन इसके हिसाब से क्या होगा, इस तरफ देख रहे हैं कि जब ओ और ये वाला हो तो अगर हम अलग अलग मानते हैं ओ वन ओ टू अलग अलग मानते हैं तो ये चार लेटर हो रहे थे, चार लेटर के हिसाब से जो हम लोग पहले पढ़ाई कर चुके हैं अभी तक परम्यूटेशन में कितने वर्ड्स बन रहे थे आर ओ वन ओ टू टी मिला करके 24, 24, 4 फैक्टोरियल, यहाँ भी 24 बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. तो जब दोनों ओ को ओ वन और ओ टू मानते हैं तो 24 बनता है, लेकिन जब ओ वन और ओ टू डिफरेंट अगर नहीं है, जैसा कि हम लोग आज का ये टॉपिक है दोनों सेम है, तो दोनों ओ वन और ओ टू को अगर हम सेम मानते हैं तो एक्चुअल में कितने वर्ड्स बन रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब जितने ओ वन ओ टू को अलग अलग मान करके जितने वर्ड्स बने थे उसको 2 से अगर हम डिवाइड कर दिए तो देयर आर 12 वर्ड्स व्हेन देयर आर 2 ओ इन अ वर्ड विथ लेटर्स आर ओ एंड टी, जहाँ पे ओ दो बार आया है तो वहाँ पे सिर्फ 12 वर्ड्स ही बनेंगे, लेकिन जब ओ वन ओ टू का अलग मानेंगे तो 24 वर्ड्स बन गए। इसी से रिलेटेड हमारे पास 2 थ्योरम है, आइए देखते हैं। थर्ड थ्योरम क्या कहता है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ इन ऑब्जेक्ट्स वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल। आउट ऑफ एन, एन ऑब्जेक्ट्स में पी ऑब्जेक्ट्स, पी मान लीजिए एन 50 है और पी 5, मतलब 50 ऑब्जेक्ट्स में 5 जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सेम काइंड के हैं, एक तरह है, सेम है, तो उस केस में जो परम्यूटेशंस होगा, मतलब जितने तरीके से हम नंबर लिख सकते हैं वो होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई पी फैक्टोरियल। इससे पहले हम लोग क्या एग्जांपल लिए थे, रूट का आर ओ ओ टी, आर ओ ओ टी, यहाँ पे एन कितना है, एन क्या है 4, पी क्या है, क्या लिखा है, पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ सेम काइंड ओ 2, दो ऑब्जेक्ट सेम काइंड के हैं, दोनों ओ सेम काइंड के हैं, एन कितना है 4, यहां पे पी क्या है, इस थ्योरम के हिसाब से पी कौन सा है, पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड, मतलब दो ऑब्जेक्ट 2 ओ आर ऑफ सेम काइंड, मतलब दो ओ सेम काइंड के हैं, तो हमारे पास चार लेटर के कितने वर्ड बना पाएंगे, चार
लेटर के कितने वर्ड बना पाएंगे इस कंडीशन में, इस थ्योरम के हिसाब से क्या कहता है, n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल, मतलब 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। आप रिकॉल कीजिए, जस्ट जब हम लोग आर ओ टी के चारों लेटर्स को अरेंज करते हुए हम लोग कितना बना पाए थे, ओ आर ओ टी, ओ टी आर ओ, आर ओ टी ओ करते हुए कितने वर्ड्स बना पाए थे, 12। और यहाँ भी कितना आ रहा है, 12। इसका मतलब थ्योरम नंबर 3 कह रहा है n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल, वो जो अभी हम लोग लिस्टिंग करके बनाए हैं उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। आइए अब देखते हैं, जब एक से अधिक लेटर अलग अलग काइंड के अवेलेबल हो तब क्या कहता है थ्योरम, थ्योरम नंबर 4 क्या कहता है, आइए देखते हैं।